अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जिस हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी मोदी जी के नेतृत्व में, अब वह बनकर के रहेगा, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं पाएगा। कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था? आतंकवाद होता था, मुंबई विस्फोट हुए थे, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? यूपीए सरकार कहती थी आतंकवादी सीमा पार के। अरे सीमा पार के हैं तो आपकी मिसाइल कब के लिए है? जैसे मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवाद को पूरी तरह तबाह किया। और अब तो आपने देखा होगा, ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने ये लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए, और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। भाई जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे? अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा, तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पाकिस्तान से यही तो बोलते थे ये लोग। आज अगर वह कुछ करता है तो वो थोड़ी सी टेढ़ी नजरों से देखता क्या है कि उससे पहले कि वो भारत की तरफ नजरें टेढ़ी करे उसकी नजरों को ही निकाल करके बाहर कर दिया जाता, कहा जाता चुप, ये नहीं चलेगा। बहन और भाइयों, ये नया भारत है, बिना रुके, बिना टिके, बिना हटे, बिना डरे आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है आप सबके सामने है। आपने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्यक्रम को देखा होगा, देखा है ना? ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए उद्धव जी ठाकरे और पवार साहब ये सब क्या कहते थे? कहते थे कि ये 100 जन्म भी ले लेंगे तब भी मंदिर नहीं बना पाएंगे, बोलते थे ना। एक कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले यही कहते थे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग तब भी बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वही, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही। और जो कहा वो करके दिखा दिया ना, कोई संदेह है क्या? लेकिन इंडी गठबंधन वाले क्या कहते हैं? बहन और भाइयों, दो बातें खतरनाक इनके मुंह से निकलती हैं। एक तो कहते हैं कि राम मंदिर अगर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो फिर राम मंदिर को क्या करना है ये हम तय करेंगे। हमने कहा भी देखो रामलला तुम्हें इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि तुम दिल्ली पहुंच सको। जुड़ने के लिए आभार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।